जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सेल्फी स्टिक देखने के लिए क्लिक किया है तो बहुत अच्छा किया है। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे यूबोन का सेल्फी स्टिक। ये देख लीजिए, ट्रेवल स्टिक, और ये हैं अपने टाइगर श्रॉफ बिग डैडी बेस। आर यू ए सेल्फी लवर? मॉडल में मेंशन है SF140, और सबसे बड़ा खासियत है इसका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ दिया गया है फोटो क्लिक करने के लिए, और वीडियो को शूट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ, देखिए फोकस करके दिखाता हूँ। वर्सन 5.0 वायरलेस रिमोट कंट्रोल मल्टी मोड शूटिंग हिडन ट्रिपॉड 360 डिग्री रोटेशन एक्सटेंड्स अप टू 1000 mm। प्रिकॉशन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हमारे इंस्टा पे विजिट करके अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा। एक अच्छा वाला इमेज हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वार्निंग वगैरह सब देख लीजिएगा। इस साइड देख लीजिए स्पेसिफिकेशन, पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इंस्टा पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्राइस दिखाते हैं आपको। एक सेकंड दिखाते हैं, फोकस हो जाए यार। 1200 रुपये इसमें मेंशन किया गया है, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस है, जिस प्राइस में हमने परचेज किया है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। ठीक है, लेने से पहले आपको कोई इशू ना हो। तो चलिए बाहर निकालते हैं। तो ये रहा इसके अंदर का पैकिंग, अच्छा पैक किया गया है, देखिए अच्छे से होल्ड किए हुए हैं ताकि ट्रांसपोर्टिंग टाइम में इधर उधर ना हो और कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये हमें अच्छा लगा है यूबोन का पैकिंग। ठीक है, तो इसे साइड करते हैं, और ये रहा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, पहले आप ओवरऑल देख लीजिए कैसा है इसका लुक वाइज कैसा है, और क्वालिटी वाइज तो हम बता ही देंगे, आप वीडियो में बने रहे, हम इसका सारा डिटेल बता देंगे। ओके, ये जो है ये लॉक अनलॉक करने के लिए है। ठीक है, ये जो मूव कर रहा है ना, इसको आप इसके थ्रू आप टाइट कर सकते हैं, टाइट या लूज जो बोलिए अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पे सेट करने का मन है उसके सेट कर सकते हैं। अब इसका ब्लूटूथ निकाल करके दिखाते हैं। ब्लूटूथ निकालने के लिए हल्का सा आपको ऊपर की तरफ खींचना होगा, तब जाकर के ब्लूटूथ निकलेगा। जब तक आप ऊपर नहीं उठाएगा हल्का सा, तब तक ब्लूटूथ नहीं निकलेगा। यानी कि ये एक सेफ्टी टूल्स दिया गया है, देखिए ब्लूटूथ गुम नहीं होगा इस वजह से, ये अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा ब्लूटूथ, जिससे कि फोटो वगैरह सब क्लिक होगा। ओके, अब देखिए एक नीचे है मोबाइल होल्ड करने के लिए, उसमें देखिए रबर लगा हुआ है, ऊपर में भी रबर लगा हुआ है दोनों साइड। ओके, ठीक है, दिख गया, दोनों साइड रबर लगा हुआ है ताकि मोबाइल में कोई डैमेज ना आए होल्ड करते टाइम। देखिए फुल जो इसका एक्सपेंड है वो इतना है, आप देख लीजिए कि कितना एक्सपेंड हो रहा है और ये आपके लायक है या नहीं। ये है इसका 360 डिग्री रोटेशन, मोबाइल होल्ड करके आपको जिस एंगल में फ़ोटो क्लिक करना है या फिर वीडियो शूट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यही है इसका 360 डिग्री रोटेशन। ओके, बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छा लग रहा है, प्लास्टिक अच्छा वाला यूज किया गया है, हमारे हिसाब से ठीक ठाक है प्राइस के अकॉर्डिंग। यह है हिडन ट्रिपॉड, जो आपको फंक्शन मेंशन किया गया है डब्बे पे, हिडन ट्रिपॉड। ये देखिए ट्रिपॉड भी तभी आप यूज कर सकते हैं जब इसका स्टील ऊपर की तरफ पुश कीजिएगा तब।
ओके, ये देखिए, ज़्यादा वजन ये होल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि हल्का है। इसमें जो ट्रिपॉड का फंक्शन दिया गया है, जो तीन इसका लेग है वो थोड़ा सा हल्का है। देखिए पूरा इम्प्टी है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये देखिए, जब तक आप स्टील को नीचे नहीं कीजिएगा, देखिए इसको जब तक पूरा नीचे नहीं कीजिएगा तब तक ट्रिपॉड लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए देखिए तीनों लेग में ग्रिप दिया गया है, तीनों सेल्फ लॉकिंग है, तीनों अपने से अटैच हो जाएगा। ओपन करने के लिए इस तरह से पुश कीजिएगा, निकल जाएगा। गलती से भी अगर भूल करके फोर्सली प्रेस कीजिएगा तो टूट जाएगा। देखिए इसका टोटल जो लेंथ है वो आपको दिखा देते हैं, कितना पीस में निकलता है ये आपके सामने देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट हो गया। ओके, 1000 mm का लेंथ है। हालांकि हमारे हिसाब से फुल लेंथ पे यूज ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और हल्का फुल्का मोबाइल शेक करते रहेगा। तो हाफ तक ठीक है, हाफ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मस्त है हाफ के लिए। फुल के लिए भी ठीक है, बट थोड़ा सा शेक करेगा। ठीक है, देखिए हमने आपको बता दिया कि भूल कर भी इसे नीचे स्लाइड किए बिना ट्रिपॉड को लॉक ना करें, नहीं तो टूट जाएगा ज़बरदस्ती। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इसे बंद करना है तो सारा चीज़ को देखते हुए बंद कीजिए, नहीं तो टूट गया तो फिर कोई काम का ये नहीं रहेगा। ओके, तो ये है ब्लूटूथ। अब हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इसमें एक मोबाइल होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इजीली होल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा, मतलब कि ग्रिप दिया गया, टाइट है। ब्लूटूथ को 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा, ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया और ब्लिंक कर रहा है। अब मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, सारा डिटेल आपको दिखाएंगे। बस हो गया है। सेल्फी करके नाम आ रहा है। ओके, अब हम फोटो क्लिक करके दिखाते हैं दोस्तों, देखिए क्लिक हो जाएगा। तो देखा आपने कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है इसका ब्लूटूथ, ठीक ठाक है। कभी कभार मिस कर रहा है, तो रेगुलरली प्रेस कीजिएगा तो मिस करेगा ही। थोड़ा सा वेट करके क्लिक कीजिए, एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस भी अच्छा कवर करता है, हमने देखा है चेक करके, अच्छा कवर कर रहा है। ओके, वापिस इसे जब इसमें अटैच कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। देखिए हम भी मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको सीधा करके लगाना है, उसके बाद नीचे कीजिए, बस कंप्लीट। ठीक है, तो इसका प्राइस हम बता हाँ देते भाई, दोस्तों, 450 रुपये में हमने इसे लिया है, 450। ठीक है, क्वालिटी अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग प्राइस हमें अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मुझे तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खुशी।